हम अंबेडकरवाद का बिगुल बजाते हैं लेकिन हमारी महिलाएं आडंबरवाद का बिगुल बजाती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकता नहीं है। वही ब्राह्मण राजपूत दूसरे जो कम्युनिटी के होते हैं वहां हम अक्सर देखते हैं कि वो अगर मैं उसका बच्चा कोई किसी गलती से वो गरीब रह गया या झुग्गी में रह रहा है, मजबूर है, एजुकेटेड नहीं है, तो वहां पर ये लोग आके साथ देते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय जी, और देश भर से आए सभी समानता प्रेमी लोगों को मेरा जय भीम, जय पेरियार, जय संविधान। आज जिस विषय पर मीटिंग रखी गई है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन की वजह से एक युवा भारत का, जो जातिवाद और छुआछूत से बेहद परेशान और दुखी होकर एक संकल्प लेता है, वह हमारा रहनुमा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बन जाता है और भारतीय संविधान का रचयिता बन जाता है। ऐसे ही हमें भी आज संकल्प दिवस पर संकल्प लेकर जाना है कि आज जितनी सारी अच्छी बातें हुई, जो जो यहाँ पर योजनाओं के तहत बहुत सारे अच्छे वक्ताओं ने बहुत बारीकियों से भी समझाया और कुछ ने बड़े लेवल की बातें भी बताई, लेकिन वो तभी हमारे काम की हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम उन्हें कार्यशैली में शामिल करेंगे, जब हम उन्हें यहां से ले जाकर जमीन पर पहुंचाएंगे। केवल यहां बोल देना, मेरा बोल देना, आपका सुन लेना और झाड़कर चले जाना, इस तरह से आयोजकों की मेहनत और हमारा लगा हुआ पैसा दोनों बर्बाद है, हमारा समय भी खराब है। अगर हमें हमारे समय, हमारी ऊर्जा, हमारे धन, इन सब का सही उपयोग करना है तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम जिस दुश्मन से लड़ते हैं हम उसकी बुराई तो करते हैं लेकिन उसके प्रति निष्ठावान और काम करने के लिए लगातार प्रेरित नहीं होते। मुझे एक बात और कहनी है, आपके बच्चे जब जब बाहर निकलेंगे काम करेंगे, उनको रोकने के बहुत सारे रास्ते, आगे कांटे कंकड़ पत्थर बिछाए जाएंगे ताकि वो रुक जाएं। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता आया है, क्योंकि इस देश में जब जब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले खड़े हुए हैं तब तब उनको रोकने के रास्ते पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी की गई हैं। तो आज की अगर ये मीटिंग सफल है तो मैं तभी मानूंगी इसको सफल जब हम जाकर के ये सोचे कि कैडर कैसे खड़ा करना है। मान्यवर साहब ने संगठन बनाकर केवल कागजी काम नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले समाज में जाकर बताया कि तू भी नेता बन सकता है। उन्होंने कहा हे साइकिल चलाने वाले, तू भी हवाई जहाज में उड़ सकता है। हे जूता चप्पल बनाने वाले, तू केवल वोट डालने के लिए नहीं है, तू नेता बनकर, तू एमएलए एमपी बनकर लोगों में जा सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, संसद में बैठ सकता है, विधानसभाओं में बैठ सकता है। रिक्शा चलाने वाले, तू भी नेता बन सकता है। आज वो जुनून आपने क्यों खो दिया? आज हमें कैडर पर काम करना है। जब हम काम करने निकल पड़ेंगे तो हमारी योजनाओं पर रिजल्ट आने लगेंगे, लेकिन योजनाएं बनाकर केवल बात करके चले जाना, मुझे नहीं लगता कि आज हम बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी रह गए हैं। हम केवल भक्त मात्र बन रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने बुलाया था, हमारी जिम्मेदारी थी, बैठे और चले आए हम लोगों को, और क्या करना, और क्या कर सकते हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति एक एक हजार को जगाने की क्षमता रखता है, ये आम पब्लिक नहीं बैठी है दिल्ली के अंदर, देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से, शहरों से आए हुए लोग हैं। एक एक व्यक्ति एक एक हजार को हर दिन जगाने की क्षमता रखता है, लेकिन बस जरूरत है कि घर जाके आराम में ना पड़ जाए, घर जाकर वो अपनी कमर बिस्तर पे टेक कर ये ना कहे कि बस इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को, हम लोगों को हर दिन काम करना है। मैं लगातार अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर साथ साथ लगभग 12 राज्यों में लगभग 11,000 गांव कैडर कर चुकी हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि देश की, समाज की महिलाओं को कैडर दूं, उस महिला को आजादी दूं जिससे अगला बच्चा, अगली जनरेशन तैयार होगी। हम अंबेडकरवाद का बिगुल बजाते हैं लेकिन हमारी महिलाएं आडंबरवाद का बिगुल बजाती है। हम फेल हो जाते हैं, हम यहाँ से लड़ाइयां लड़ते हैं वो वहां से उधर पहुंचा देती हैं, हम यहाँ से कमा कर ले जाते हैं वो ब्राह्मणवाद के यहाँ दान कर देती हैं, क्योंकि वो आपके अधिकारों को खाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम बातों के साथ साथ काम भी करें, और सभी जितने भी यहाँ आए हुए लोग हैं सभी से मेरी अपील है कि हम लोग प्रैक्टिकल हों, केवल हम भाषण जी भी फोटो जी भी ना रहें, ये दो चीजें हमारे लिए घातक हैं, भले ही हम उनको कहते हैं लेकिन ये गुण हम में ज्यादा आ चुके हैं। काम पर ध्यान दें। जय भीम।
1917 और आज देखिए, आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस चीज को कहीं ना कहीं हम और आप फेस करते हैं। और ये सारे चीज बोलने से पहले मैं ये चीज आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये सब अपने जमीर से, अपने आत्मा से खुद पूछिएगा कि हमने कहां कहां फेस किया, और जब ऐसा मेरे साथ कंडीशन आई तो हम अपने आप को कंप्रोमाइज किए या क्रांतिकारी रूप से आगे उठकर आए और उस वर्ग के लिए, उस समाज के लिए लड़े। क्योंकि बात होती है, बातें सभी लोग करते हैं और बहुत सारे कुछ बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन जहां बात होती है अपने राइट्स की, ड्यूटीज की, वहां कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। आर्टिकल 14-18 की बात की जाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछड़े हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ क्या हो रहा है किसी से पूछा नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ सभी को पता है कि आज EWS वाला जो सिस्टम था उसमें UPSC के रिलेटेड आप देखें किस तरीके से वहां पर जो मार्किंग की गई थी, जिस तरीके से वहां पर हम लोगों ने फेस किया, एक किसी से छुपा नहीं हुआ। EWS में देखा जाए तो सारे जितने भी अपर क्लास वाले ब्राह्मण, राजपूत, जितने जनरल सब आ जाएंगे। 800,000 के दायरे में वहां बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायलेमा है, इस डायलेमा से हमें निकलने के लिए एकजुटता की जरूरत है। और ऐसे जो प्रोग्राम की जा रही है, ऐसे कार्यक्रम लगातार करने की जरूरत है, जैसे अवेयरनेस है, क्योंकि आज जागरूकता की बहुत जरूरत है। हम देखते हैं कि अक्सर गरीब, किसान, मजदूर जो होते हैं उनको अपने राइट्स को लेकर अवेयरनेस नहीं होती है। उनकी आर्टिकल 51A की बात तो बहुत सारे एजुकेटेड जो हाईली बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से, बड़े बड़े सिटियों में रहते हैं, जिसको मैंने बोला है इंडिया वर्सेज भारत। जब इंडिया वर्सेज भारत की बात की जाती है तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अटालिकाओं में इंडिया वाले लोग रहते हैं और उसके बगल में भारत रहती है। थोड़ा सा आप लोगों को अजब सा लगेगा, वही इंडिया वाले जो हैं उनकी सेवा के लिए भारत, वही गांव, गरीब से मजदूर किसान रहते हैं जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ये चीजें हम लोगों ने कोरोना के दौर में देखा कि हजारों हजार किलोमीटर लोगों ने पैदल चलने के लिए मजबूर हुए थे। उसमें हमारे इस देश के मूल निवासी OBC SC ST भी थे उसके, क्योंकि इतने मतलब दावे के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेशनल यूनिसेफ काउंसिल के साथ वर्क करते हुए हमने देखा, काम करते हुए झुग्गियों में पढ़ाते हुए देखा। एक एक लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है कि उसमें झुग्गियों में रह रहे हैं SC ST OBC वाले ही, ना कि उसमें अपर क्लास वाले। तो हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। बात दिल्ली विश्वविद्यालय से, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज से, वहां पर ब्राह्मण एक पांडे जी हैं, डीन है वो, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हेड है, वो बोल रहे हैं ये चौरसिया क्या होता है हम नहीं जानते हैं, और उनके कारण मेरी PhD में एडमिशन नहीं हुआ। ये सारे मतलब इतने लोगों के बीच में ऑन द माइक में कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकता नहीं है। वही ब्राह्मण, राजपूत, दूसरे जो कम्युनिटी के होते हैं, वहां हम अक्सर देखते हैं कि वो अगर मैं उसका बच्चा कोई किसी गलती से वो गरीब रह गया या झुग्गी में रह रहा है, मजबूर है, एजुकेटेड नहीं है, तो वहां पर ये लोग आके साथ देते हैं, एक यूनाइटेड दिखाते हैं। तो हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। आर्टिकल 51A में बात की जाती है ड्यूटीज की, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो उस ड्यूटीज को हमें समझने की जरूरत है। आइए, हम सभी का आज से कर्तव्य है, संकल्प आज दिवस है, आज संकल्प हम सब लेते हैं कि अपने 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट डेली अपने युवाओं को, अपने समाज के, अपने उस वर्ग को जो डिप्राइव्ड है, नीडी है, वंचित है, उसको हमें धरातल पर लाने के लिए, उसको उस लेवल पर लाने के लिए उसको हम मोटिवेट करेंगे, जिसको प्रेरित कर सकते हैं प्रेरित करेंगे, जिसको आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं उसको करेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे। तभी एक कहीं ना कहीं बात जब होती है कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ओ वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संकल्प, हम ही बहुजन, हम ही OBC वाले, हम ही SC ST वाले, इस देश के मूल निवासी वसुधैव कुटुंबकम को समझो। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।